हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक एसे एंड लेटर, ठीक है। और ये इसमें हम लोग जो भी 2018, 17, 16, 15 में पूछा गया है लेटर एसे, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो यूपीएससी, एसएससी का सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, या 10th जो बोर्ड का एग्जाम होता है सीबीएसई का, इस टाइप का जो एग्जाम हुआ है और जो लेटर एसे पूछा गया, उस पर देखेंगे क्या क्या पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक को आप इसको तैयार कर सकते हैं, तक क्योंकि ये करंट का टॉपिक ये सारे में पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी 2017 का देखते हैं। तो यूपीएससी 2017 का देखिए, सबसे पहला टॉपिक पूछा गया था, फार्मिंग हैज लॉस द एबिलिटी टू बी ए सोर्स ऑफ सब्सटेंस फॉर द मेजोरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया, ठीक है। ये पहला टॉपिक था, भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रहा। जैसे कि जो फार्मिंग है, पहले जो था फार्मिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया, अब जो है धीरे धीरे वो फार्मिंग पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा जा रहा है। इस पर आपको, हालांकि ये आईएएस का क्वेश्चन है तो इसमें 1200 वर्ड लिखना होता है, मगर आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें 250 वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए और ये अच्छा टॉपिक है, इस पर लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर ऑन द फिजिकल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों पर प्रभाव, ठीक है। स्टेट और यूनियन के बीच में क्या संबंध होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको जीएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप स्टेट और यूनियन का कौन सा आर्टिकल होता है, क्या क्या समझौता चलता है, तो ये थोड़ा आपको इंडिया का पॉलिटी के बारे में इसमें जानकारी होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक के लिए आपको करेंट अफेयर से लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल आते रहता है। देखिए, ऐसे एक ऐसा चीज़ है जिस पे आप ऐसा नहीं है कि कोई बुक से पढ़ लीजिए और वो हो गया, आपको थोड़ा सा जीएस उस टाइप का टॉपिक तैयार करना होगा जो सोशल टाइप का टॉपिक हो, ठीक है। इसी टाइप से ऐसे पूछा जाता है। थर्ड देखिए, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज सेफ्ट इन द क्लासरूम। इसका मतलब कि जो इम्पोर्टेंस क्या, क्लासरूम का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होती है। तो मतलब देखिए, जो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो क्लासरूम होता है, जो टीचर लोग पढ़ाते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको करेंट इशू से लिंक होना जरूरी है। तो आप पिछले 6-7 महीने का जो भी एडिटोरियल आया है हिंदू का, उसको पढ़िए। सारा का सारा टॉपिक एडिटोरियल से उठाया गया है आईएएस में, ठीक है। हैज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, खंड ए में पूछा गया था। हम ये टॉपिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसएससी में ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक क्या था। ये खंड ए तो आपको बता दिए, ये क्लियर हो चुका है। अब खंड बी देख लिए, जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो इस पर आप क्या अपना पॉजिटिवनेस दिखा सकते हो। सबसे पहले आप पॉजिटिव चीज से इसको चालू करो कि जो खुश रहता है, ये खुश मतलब कि आपको एक अच्छे मतलब कि पॉजिटिव नोट पे इसको चालू करना है, जैसे किसी ये कोटेशन टाइप का हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ द न्यू वुमेन इज इंडिया इज द मिथ। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का क्या है, भारत में नई युग की नारी की पूर्णता एक मिथ है, मतलब फॉल्स है। तो आप इस पर थोड़ा सा बहस टाइप का कर सकते हो, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट है, इस पर आप अपना दे सकते हो। तो ये कब दोगे, जब आपको पता रहेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या किया है, उसका ड्रॉबैक क्या किया है, ठीक है। या फिर जो भी वुमेन के लिए किया जा रहा है, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट सारा इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉस बट कैन नॉट रेसिस्ट नेचुरल लॉस। मतलब कि आप ह्यूमन लॉ को और भी तगड़ा बना सकते हो, मगर नेचुरल लॉ से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या इन्वायरमेंटल साइंस का, जैसे कि साइकिल वोकिल होता है, जो बायोलॉजिकल साइकिल होता है, ये लॉ से आधारित करके इस पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली ए सेल्फिश मीडिया, ठीक है। तो ये आप इस पर दे सकते हो कि सोशल मीडिया जो है वो इनहेरेंटली सेल्फिश मीडिया है, क्योंकि वो किसी चीज़ को ज़्यादा उजागर करता है, वो सिर्फ अपने टीआरपी के बारे में सोचता है। तो इस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ये देखते हैं टायर थ्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का ये आया हुआ है। तो ऐसे लिखना था, इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक फॉर योर सेफ्टी व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो देखिए अर्थक्वेक के बारे में जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप इस पर लिखोगे कहाँ से। इसीलिए आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक का एपिक सेंटर क्या है, जब आप भूकंप आए या फिर अर्थक्वेक आए तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको 250 वर्ड में लिखना है, 50 नंबर का, ये सीजीएल के लिए हुआ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नेक्स्ट लेटर पूछा गया था, अज्यूमिंग दैट यू आर सुरेश सीमा राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर नरेश हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट ऑफ शॉर्ट कमिंग कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो आप अभी तो फिलहाल इसका बहुत ही देख ही रहोगे कितना जो कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, उसका क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। ये आप इसको आराम से लेटर में लिख सकते हो, ठीक है। ये 150 वर्ड में लिखना है और 50 मार्क्स का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एमटीएस 28 जनवरी 2018 को जो पेपर हुआ है उसका भी देख लीजिए, उस पर आया था रेनी सीजन पर, मोबाइल फोन पर, एडुकेशन एंड लाइफ। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको एक ऐसे तैयार करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड सिटीजन, क्रिकेट मैच, ठीक है। लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट गोइंग ऑन ए ट्रिप टू जयपुर। तो ठीक है, इस आप लेटर इस पर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अबाउट नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम। राइट ए लेटर टू द लॉ अथॉरिटी अबाउट रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो ये सिंपल सिंपल है, मगर आप इसको करके जाना, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया, हो सकता है इसी टाइप का आपको पूछा जाए या फिर इसी में से उठा लिया जाए, क्योंकि ये भी सीजीएल के द्वारा ही, एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द इन्वाइटिंग हिम इन समर वेकेशन। तो ये भी आसान टॉपिक है। राइट ए लेटर टू योर लाइब्रेरियन फॉर टू ऑफ योर स्कूल टू परचेज न्यू स्टोरी बुक्स। तो आप देखो इसमें जितना भी हम ऐसे लेटर दिए हैं, ये एक एक करके सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, मगर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लेंदी लेंदी टॉपिक, कोई भी ऐसे लिखने में 250 वर्ड का एक पूरा पीपीटी जाएगा। तो इसीलिए इसको नेक्स्ट एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे, चाहे वो आईएएस का हो या सीजीएल का हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी चीज़ को हिंदी में देख लें, शिक्षा और जीवन। ये एमटीएस का ही है, एमटीएस ही 2018 का पेपर है, ये हिंदी में आप देख लो, सेम चीज़ है, ये चीज़ को हम हिंदी में, ये है पेपर का आया था वही हिंदी में भी है, ठीक है। शिक्षा और जीवन, वर्षा ऋतु, मोबाइल फोन, क्रिकेट मैच और एक अच्छे नागरिक का दायित्व, इस पर आपको एक ऐसे लिखना है और ये लेटर के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का जो पेपर इस साल हुआ है उस पर देख लिए क्या आया है। उस पर देखिए राइटिंग स्किल में आया, यू आर हरीश और हर्षिता ऑफ 12th सेवानगर पुणे, यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग एन अनदर सिटी फॉर वर्क, ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड फॉर द। देखिए इसमें द पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफिकल कॉलम, तो इसमें बोला गया है कि एक आप ड्राफ्ट लिखिए। देखिए एसएससी में हालांकि ऐसे लेटर आता है, मगर उसमें आप जब देखोगे तो ड्राफ्ट, प्रिसाइज राइटिंग कुछ भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेटर ही दिया जाए। तो आप जब तैयारी करके जाओ तो सब तरफ से तैयारी करके जाओ, ये नहीं कि पिछले साल ऐसे आया है और लेटर आया है तो इस साल भी वही आएगा। हो सकता है आपको प्रिसाइज राइटिंग दे दिया जाए, ठीक है, पैसेज से कुछ दे दिया जाए, कुछ भी दे सकते हैं, जो वो लोग जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक पर प्रिपेयर करके आपको जाना है। तो इसमें देखिए कि जब ये हरीश और हर्षिता है वो अपना शिफ्ट कर रहा है दूसरे शहर में, तो वो अपने फ्लैट को बेचना चाहता है, उस पर एक आपको ड्राफ्ट लिखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप का। और देखिए, और यू आर एफ फैज और फैजल मुजादर लिविंग एट 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला, यू डिसाइडेड टू होल्ड ए डिनर पार्टी टू कंग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन देयर गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, ड्राफ्ट ए फॉर्मल इन्विटेशंस इन मोर देन 15 वर टू अटेंड ए ग्रैंड डिनर एट होम। तो इसमें कह रहा है कि आप एक ड्राफ्ट लिखना चाहते हो आपके ग्रैंड फादर का 50वां जो कि गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना चाहते हो कि उसको अटेंड करने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको लेटर में भी दिया जा सकता है कि राइट, जैसे कि कोई भी लेटर लिखिए अपने किसी रिश्तेदार को या नेबर को या फ्रेंड को, टू इन्वाइटिंग हिम इन ए ग्रैंड वेडिंग ऑफ योर ग्रैंड फादर। तो इसको आप लेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, इशू देखिए कि क्या क्या दिया गया, ये इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड का 12th का पेपर है, फिर से बोल दे रहे हैं। यू आर नरेश और निर्जना शंकर, प्रिंसिपल ऑफ वसंत पब्लिक स्कूल पुणे, योर स्कूल है जस्ट स्टार्टेड ए म्यूजिक डिपार्टमेंट, राइट ए लेटर, देखिए राइट ए लेटर टू द मैनेजर टू मेलोडी हाउस पुणे होलसेल सप्लायर ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर
फॉर ए स्कूल एंड आस्क फॉर ए डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइसेस। देखिए ये 150 वर्ड में लिखना है, तो इसमें देखिए एकदम सेम एसएससी पैटर्न पर है ये। देखिए इसमें एक लेटर लिखना है, जैसे कि स्कूल को ये डिसाइड किया है कि अब वो एक मेलोडी हाउस, मतलब कि म्यूजिकल ग्रुप रूप टाइप का चालू करने वाला है, स्टार्टेड म्यूजिक डिपार्टमेंट चालू करने वाला है, तो उसके लिए वो होलसेलर जो मतलब कि थोक भाव में किसी चीज़ को रखता है, उससे इंस्ट्रूमेंट को परचेज करने के लिए एक लेटर लिखिए और उस पर क्या डिस्काउंट देगा वो सब लिखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इस सीजीएल के लिए। और देखिए बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर द टीच पोलिटिकल साइंस टू टीच पोलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। यू आर संजय और संजना शर्मा फ्रॉम 21 बसंत मार। इसमें ड्राफ्ट ए लेटर इंक्लूडिंग ए सीवी अप्लाइंग फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो ठीक है, ये भी एक आपको लेटर या फिर ड्राफ्ट लिखना है। देखिए आप टॉपिक पर, ये टॉपिक पर ध्यान दो, क्या टॉपिक पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सब टॉपिक एग्जाम में पूछा, ये आपको आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th बोर्ड का एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें क्या पूछा गया है, राइट एन आर्टिकल। देखिए इसमें आर्टिकल लिखने के पूछा है, 100 to 200 बिग फैट इंडियन वेडिंग। तो देखिए इसमें चेंज आउट टू द दिस वेडिंग एंड कैन ब्रिंग अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंट चेंजेस, अनु और अनूप को लिखना है। तो इसमें आर्टिकल लिखना है, तो उसमें बोला जा सकता है कि 200 वर्ड में कोई एक ऐसे लिखिए बिग फैट इंडियन वेडिंग पर। तो देखिए इंडियन वेडिंग का आपको मेरिट डिमेरिट पता होना चाहिए कि बहुत लग्जरी में लोग शादी करना पसंद करते हैं, तो उसका मेरिट है कि एक ही मतलब कुछ ही दिन में 5 से 7 दिन में लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, जिसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, जो सिंपल करके सेविंग किया जा सकता है वो बाद में काम आ सकता है। तो इस चीज़ को आप दर्शा सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव नोट पर। देखिए अब देखिए एक और दिया हुआ है, दिस डे आई एंजॉय बीइंग अलोन, इट सीम्स समवन लिसन टू मी इन दिस न्यू हाउसेस फ्रॉम बिहाइंड माई मिरर, माई फादर हैज बॉट द मिरर फ्रॉम एन ऑक्शन एंड हर्ड। अब ये एक स्टोरी टाइप का है और इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे लिखते जाना है, ये भी 200 वर्ड में। तो ये भी हो सकता है, दिया जा सकता है कि आपको 4-5 लाइन दे दिया जाए और उसके आगे लिखना हो, क्योंकि जो एसएससी का सिलेबस है उसको आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है लेटर एसे प्रिसाइज, ये सब लिख के फिर ईटीसी लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा में यही सब आ सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि ये सिलेबस में नहीं था, ये हो सकता है। और ये ऐसे से ज्यादा आसान टॉपिक होता है, ये सब ड्राफ्ट लिखना, ये सब बहुत आसान टॉपिक होता है। चलिए 2016 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो 9 जुलाई 2017 को हुआ था सीएचएसएल 2016 का, उसका लेटर क्या था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के बारे में आप आसान सा टॉपिक इससे लिख सकते हैं। और ऐसे राइटिंग करना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब ये लॉन्च हुआ है, मतलब कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, ये सब आप थोड़ा सा जीएस जो है करेंट से लिंक करके इस पढ़ लो। देखिए सीएचएसएल 2015 में दिया गया है, राइट ए लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिविंग योर असेसमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिया इन द रॉ ओलंपिक गेम एंड सजेशन ऑन हाउ टू इंप्रूव इन द नेक्स्ट ओलंपिक गेम। तो इसमें लेटर लिखना है कि आप रियो ओलंपिक में मतलब कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा और नेक्स्ट ओलंपिक में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये 200 वर्ड में लिखना था और 50 मार्क्स का था। तो देखिए लेटर फॉर्मेट पर 4 नंबर मिलेगा, क्लैरिटी एक्सप्रेशन 8 नंबर। ये जो हम बता रहे हैं ये आपको पिछला वीडियो देखिए जाकर, उसमें एक एक चीज बताया हुआ है कि कैसे कितना कितना नंबर, इवन डेट का भी बताया हुआ है कि राइटिंग पर कितना मिलेगा, ग्रामर पर कितना मिलेगा। तो आप लेटर का ये जो फॉर्मेट है कि कितना कितना नंबर सब में है, ये पिछले वीडियो में एकदम अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं हम, ठीक है, 8-10 पॉइंट में है कि कौन सा वो सीबीएसई से जो आरटीआई अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया था वही दिया हुआ है आपको, तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए ऐसे क्या आया था, स्वच्छ भारत मिशन पर आया था, ये भी टॉपिक आ चुका है मगर फिर दोबारा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन इंडिया 2020, क्योंकि माना जा रहा है कि 2020 तक जब महात्मा गांधी का जन्मदिन आएगा उससे पहले भारत को टोटली स्वच्छ बना देना है, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव नोट पूछा जा सकता है क्वेश्चन बदल कर, ठीक है। उसी तरह हम इसका क्या इस पर नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पर भी बता दें, और पीछे वीडियो में इसको पूरे डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और इसमें जितना भी टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी 2018 से लेकर 2015 तक का, सारे टॉपिक का 200-200 वर्ड और 250-250 वर्ड का हम एक ऐसे लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा।
ठीक है, चलिए थैंक यू। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नया नोटिफिकेशन और अपडेट होता आपको मिलता रहे। ठीक है।